हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है एंड आई होप कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन एक पोर्शन है एक्चुअली। तो हम लोग जब शेड्यूल वाइज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एप्लीकेशन में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या क्या है डिफरेंशिएशन का। तो वहां पे मैंने इलास्टिक सबसे पहला जो टॉपिक दिया था वो बताया था आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ना है उसमें मैंने एक टॉपिक को मिस कर दिया, तो उसी टॉपिक को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में आप डिफरेंशिएशन से अगर दो क्वेश्चन मानते हो तो उसमें से दो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, अगर लास्ट ईयर वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन नहीं आया ये वाला, तो इस साल आने का 100% चांसेस बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल भाषा में, एक क्वेश्चन इससे बनता है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम, फिर बहुत कम चांसेस रहता है कि आपका एसी एमसी उसका निकालने से ये सारा कंसेप्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही पोर्शन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा है सो दैट ईडी बराबर एआर बाय एआर माइनस एमआर, इसको प्रूव करिए। पहले पार्ट में ये बोल रहा है आपको, फिर भी इसको भरोसा नहीं हो रहा आप पे और बोल रहा है अब इसी बात को मेरे को ये डिमांड लॉ में प्रूफ करके बताइए, इस फॉर्मूला से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए और जो सिंपल फॉर्मूला है उससे निकालिए, फिर दोनों सेम आ रहा तब हम मानेंगे। तो अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक जो वीडियो में डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एप्लीकेशन का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालना है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि समझ जाएंगे फिर मजा नहीं आएगा। देखिए तो उसको याद करके आराम से देखना है, फिर अच्छे से समझना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आर का टर्म आ रहा है, रेवेन्यू का टर्म आ रहा है। तो सबसे पहला रेवेन्यू क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू अभी सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टोटल मार्जिनल एवरेज का कंसेप्ट सेम है, वो अब टोटल रेवेन्यू यूज करें, टोटल कॉस्ट यूज करें, मार्जिनल रेवेन्यू यूज करें। मार्जिनल आपको कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रखना है, मार्जिनल आप जहां भी देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा किसी का। अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन होगा, अगर वो मार्जिनल कॉस्ट बोला तो मार्जिनल टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन होगा। तो कुछ बातें आपको जाननी चाहिए कि टोटल का कंसेप्ट क्या है, मार्जिनल का कंसेप्ट क्या है। मार्जिनल का कंसेप्ट सिर्फ इतना है मैथमेटिकल टर्म में कि डी बाय डी एक्स ऑफ, अब मार्जिनल क्या बोल रहा है उसका करना है डिफरेंशिएशन। अगर मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहा है तो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वही मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। मार्जिनल कॉस्ट बोल रहा है तो टोटल कॉस्ट क्या कर दीजिए। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है थोड़ा सा ये जानिए, रेवेन्यू बोलने का मतलब कुल आय, अगर जो एक सेलर को बेचने से मिल रहा है। अब ध्यान से समझिए, मार्केट में कोई एक वस्तु है जिसका दाम पी है और टोटल यूनिट वो सेलर सेल कर रहा है एक्स रुपीज, तो उसके पास इनकम कितना आएगा, इनकम कितना जनरेट होगा, तो पी इंटू एक्स, यही रेवेन्यू बोला गया, जो बेचने से रुपया अर्जित हो रहा है या जमा हो रहा है उसको रेवेन्यू अभी बोल रहे हैं सिंपल भाषा में। अब बात समझिए, टोटल रेवेन्यू बराबर पी इंटू एक्स हो गया, ये कैसे हुआ, मैंने आपको कंसेप्ट अभी बताया कि एक यूनिट का पी दाम है और अगर एक्स यूनिट बेच रहा है तो टोटल उसको इनकम या टोटल उसके हाथ में कितना जाएगा बेचने पे, एक्स यूनिट बेचने पे, तो पी इंटू एक्स रुपीज जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो हम लोगों को जो लाना है, जो प्रूफ करने में लाना है, पहले ईडी टर्म लाना है फिर रेवेन्यू का टर्म लाना है। तो रेवेन्यू का टर्म तो आ गया, यहाँ पे आर दिख गया, अब किसी तरीके से ईडी का टर्म लाना है, कैसे लाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का तो यूज होगा। देखिए यहाँ पे अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ टी आर बराबर डी बाय डी एक्स ऑफ पी इंटू एक्स
अब ध्यान से समझिए बात को, यदि मार्जिनल हो गया तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन ध्यान में रहे कि d बाई डी एक्स और जहां पे भी टोटल का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया वो मार्जिनल आपका टर्म निकल जाएगा। अब टोटल किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मार्जिनल उस पर डिपेंड करेगा। टोटल कॉस्ट का कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट होगा। टोटल रेवेन्यू का कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होगा। अब आगे क्या लिखेंगे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टी आर इज इक्वल टू यू इंटू वी वाला फॉर्मूला, पहले टर्म को बाहर रखेंगे, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, तो दूसरा टर्म मेरा एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार दूसरा टर्म को बाहर रखा हमने, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां तक तो सब सही चल रहा था। सही क्या चल रहा था कि हमारा और dx by dx का वैल्यू 1 होता है क्योंकि सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग r का टर्म तो लेके आ गए, लेकिन अब प्रूफ करने के लिए ed का भी टर्म आना चाहिए किसी तरीके से, तो कैसे लाया जाए, क्योंकि ed का फॉर्मूला क्या होता है, ed बराबर माइनस p बाय x इंटू dx बाय dp। ध्यान से समझना है, तो मेरे को ed लाने के लिए किसी एक टर्म में p भी रहना चाहिए, x भी रहना चाहिए, dx बाय dp भी रहना चाहिए। अब करते क्या है, यहां पे आपको थोड़ा सा बस समझना है, यहां पे राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में ध्यान से समझिएगा बात को, यहां से p कॉमन लेते हैं। अब आप बोलिएगा कि एक आप p कॉमन ले लिए, इस टर्म में तो p है, यहां पे 1 बच जाएगा, लेकिन यहां पे तो p है ही नहीं, फिर भी आप कॉमन ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। जब भी आप कॉमन लेते हो वो टर्म नहीं है तो उसमें डिवीजन में आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप मल्टीप्लाई करके क्या मेरा ओरिजिनल और ही टर्म है या नहीं, p इंटू 1 p ही है, p इंटू एक्स बाय p इंटू डीपी बाय डीएक्स, पी पी कैंसिल हो गया, x इंटू डीपी बाय डीएक्स ये वाला टर्म आ गया मेरे को। तो हम बताना क्या चाहे, जब आप कॉमन ले, अगर वो टर्म नहीं भी है तो आप डिवीजन में लाके कॉमन ले सकते हो, अगर नीचे से 1 बाय समथिंग ले रहे हो तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो टर्म नहीं है किसी भी टर्म में, अगर वो मल्टीप्लाइड नहीं है तो आप खुद से मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हो। तो थोड़ा सा बेसिक आपको ये जानना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए आप, क्योंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि इसमें वी नो दैट ed बराबर माइनस पी बाय एक्स इंटू dx बाय dp, तो क्या हम लोग यहां से, अब ध्यान से देखिए यहां पे आया क्या है हमारा, x बाय p इंटू dp बाय dx। अब यहां पे लेकिन फॉर्मूला में क्या, माइनस पी बाय एक्स इंटू dx बाय dp, तो क्या अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बाय ed बराबर, सारा चीज रिवर्स हो जाएगा हमारा, तो x बाय p इंटू dx बाय dp, और मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, x बाय p इंटू dp बाय dx का वैल्यू निकालना है। तो आप माइनस को इधर भी कर सकते हो, या डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में माइनस, ऐसे समझिए माइनस मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या x by p into dx by dp का वैल्यू निकल गया ed के टर्म में, तो निकल गया 1 by ed। तो अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, d by dx of tr बराबर p कॉमन 1 माइनस, इस पूरे का वैल्यू कितना आया है, माइनस 1 by ed, इस पूरे का वैल्यू आया है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं माइनस 1 by ed। क्लियर है बात। तो अब ध्यान से देखिए, d by dx, चूंकि इसलिए we know that क्या जानते हैं हम लोग, d by dx क्या होता है, d by dx of tr बराबर mr, और ये एक चीज याद रखिए आप, p बराबर ar होता है। कैसे होता है थोड़ा सा ये समझिए, एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, टोटल बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालना चाहें तो एवरेज रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू बाय एक्स, और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एक्स बाय एक्स। अब ध्यान से देखिए, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पी बचा,
तो क्या हम लोग एवरेज रेवेन्यू बराबर डायरेक्ट पी नहीं लिख सकते हैं? और मार्केट में पढ़िएगा भी, जब आप परफेक्ट कंपटीशन पढ़िएगा तो वहां पर ये बताया भी जाएगा पी बराबर ए आर होता है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पी बराबर ए आर होता है, ये आपको याद रखना। कैसे होता, मैंने आपको बताया टी आर बाय एक्स हो गया ए आर का वैल्यू, पी आर को हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू एक्स बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, पी बच गया। अभी ये क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग एम आर बराबर पी, क्या हो गया हमारा तो ए आर वन माइनस वन बाई ईडी। अब ए आर को हम लोग इधर कर देते हैं, ए आर इसमें मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो एम आर बाई ए आर बराबर वन बाय वन माइनस ईडी। अब ध्यान से समझिए, मेरे को निकालना क्या, ईडी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं वन बाय इधर माइनस वन बाय ईडी है, वन बाय ईडी को इधर खा देते हैं तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इधर वन जो पहले था वो इधर पहले से अभी भी रहेगा, और इस टर्म को इधर माइनस कर देते हैं, इधर पॉजिटिव में था तो इधर आया माइनस में हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको एलसीएम लीजिए तो ए आर माइनस एम आर बाई ए आर प्रूव हो गया हमारा। ध्यान से समझिए, ए आर माइनस एम आर बाई ए आर प्रूव हो गया। अब ईडी का मेरे को वैल्यू निकाल के प्रूव करना था, यहाँ पे वन बाई ईडी का वैल्यू इतना आया, हम लोग रिवर्स करेंगे तो प्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते फिर से आप वो पोर्शन अच्छे से समझा देंगे लास्ट में यहाँ पे जब आएंगे। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि टी आर बराबर पी इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। आगे क्या किया, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ टी आर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ पी इंटू एक्स, फिर इसको तोड़ा यू इंटू बी के फॉर्मूला में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको, ये थोड़ा सा स्टेप आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना है, यही मेन काम करेगा आपका। आप पी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे इसमें पी नीचे में आ जाएगा, फिर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, यहां से ये पूरे टर्म रिप्लेस होके माइनस वन बाई ईडी आएगा। कैसे आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बस रखना है। अब आपको सिंपली अरेंज कर देना, मेरे को ईडी निकालना है तो ये इसको इधर कर दिया हमने, तो ये पॉजिटिव आ गया वन बाई ईडी बराबर वन माइनस एम आर बाई ए आर। अब एलसीएम ले लिए तो नीचे में ए आर ए आर माइनस एम आर, और ईडी निकालना था तो रिवर्स कर देते हैं फिर से, तो ईडी ऊपर चला जाएगा और इधर ए आर ऊपर चला जाएगा, ईडी बाई वन बराबर ए आर बाई ए आर माइनस एम आर, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो, बस थोड़ा सा ही मतलब समझना, इसमें प्रैक्टिस आपको करना है रगड़ के, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप बनाइएगा तभी समझ पाएगा, फ्रेंकली जो बात है। और अगर आप नहीं समझ पाए तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे ये इश्यू हो रहा है, तो मैं कुछ आपका हेल्प कर सकता हूँ, नहीं तो दिक्कत है थोड़ा सा। अब देखिए, पहला पार्ट ये हमारे को प्रूव करना था, दूसरे पार्ट में क्या बता रहा था कि आप इसको किसी भी डिमांड लो आपको दे देगा, वहां पे कुछ भी आपको दे देगा और बोलेगा आपको वेरीफाई करने के लिए कि ये डिमांड लॉ के लिए आप जो रिलेशन निकाले हैं बिटवीन ईडी ए आर एम आर वो सही है, इसको भी प्रूव करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपका बेस है, फिर आपको यहां से ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, हम लोग यहाँ पे किसी एक को प्रूफ करते हैं, सपोज करिए हम लोग फर्स्ट वाले को करते हैं, जहां पे एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है पी बराबर ए माइनस बी एक्स। अब कैसे वेरीफाई करते हैं थोड़ा सा ये जानिए। सबसे पहला फॉर्मूला आप हम लोग ईडी बराबर ये जानते हैं माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी, और मैंने आपको ये बताया था, पहले भी बताया था कि आपको जब इलास्टिसिटी आप निकाल रहे हो तो आपको कंसेप्ट क्या समझना है, अगर आपको पी बराबर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू मत निकालो, आप बात समझो, हम लोग किसके थ्रू फिर निकाले, तो हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे माइनस पी बाय एक्स इंटू वन बाई डी पी बाई डी एक्स।
अब बात ध्यान से समझिए, वही चीज है, dx ऊपर चला जाएगा और नीचे में dt रहेगा। यहाँ पे फायदा क्या है, हम लोग को अरेंज नहीं करना पड़ेगा, जो डिफरेंसिएशन करेंगे वो डायरेक्ट dp बाय dx निकालेंगे और उसका वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे क्या करना होगा, फिर x को अरेंज करके फिर dx बाय dp निकालना होगा, तो कभी कभी डिफरेंसिएशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप हम लोगों को प्रैक्टिकली दो फॉर्मूला, और ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि कहाँ पे आपको कौन सा अप्लाई करना है। अगर आपको p बराबर दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, dp बाय dx निकालेंगे फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर dx बाय dp डायरेक्ट निकल गया मेरे को तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब देखिए p बराबर क्या दिया हुआ है, a माइनस bx, और dp बाई dx क्या हो जाएगा फिर हमारा, हमने क्या बताया आपको कि b दिया हुआ है तो आप dp बाई dx निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ a माइनस bx, इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ a माइनस d बाई dx ऑफ bx। a का डिफरेंसिएशन कांस्टेंट है 0, माइनस बी एक्स में बी बाहर आ गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या हो जाएगा पूरे का पूरा बी हो गया। अब हम लोग ईडी का वैल्यू निकाल देते हैं, तो ईडी बराबर है माइनस पी बाय एक्स इंटू 1 बाय डीपी बाय डीएक्स, और डीपी बाय डीएक्स का वैल्यू मेरे को कितना है माइनस बी। अब आखिरी स्टेप क्या करना है, तो जिसका भी वैल्यू दिया रहे पी या एक्स का, आपको सिर्फ उसका वैल्यू बैठाना रहता है। यहाँ पे p बराबर a माइनस बी एक्स दिया हुआ है, बाय एक्स इंटू 1 बाय डी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी एक्स बाय बी एक्स, हमारा ये ed का वैल्यू आया फॉर्मूला के थ्रू। अब मेरे को मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फॉर्मूला को वेरीफाई करना। तो अभी हमने एक वैल्यू एक प्रोसेस के थ्रू ईडी का वैल्यू निकाला, अब दूसरे प्रोसेस के थ्रू इस फॉर्मूला के थ्रू ईडी का वैल्यू निकालेंगे, और अगर सेम आ जाएगा तो फिर मेरा ये फॉर्मूला सही या जस्टिफाई करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को एआर निकालना पड़ेगा, और हमने क्या बताया आपको कि एआर मतलब कुछ नहीं है, आपका पी है, और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो भी डिमांड फंक्शन दिया रहे ए माइनस बी एक्स निकल गया है मेरा एआर। एमआर आगे आपको निकालना पड़ेगा, तो एमआर क्या होता है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ मार्जिनल, जैसे ही आप देखो मार्जिनल निकालना है मतलब टोटल का डिफरेंसिएशन करना है, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू का करेंगे, क्लियर है बात। और टोटल रेवेन्यू मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी एक्स इंटू एक्स, इसको और सिंपल करते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझते हैं बात को, ये आखिरी स्टेप मेरा होने जा रहा है, एमआर जैसे ही निकलेगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तो एमआर बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब ए एक्स का डिफरेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंसिएशन 2x, तो a माइनस टू बी एक्स, ये हमारा वैल्यू आ गया है एमआर का। अब बस फॉर्मूला में बैठा देते हैं, क्योंकि इसलिए ईडी बराबर ए आर बाय ए आर माइनस एमआर, और ए आर का हमारा वैल्यू था पी ए माइनस बी एक्स, ए माइनस बी एक्स माइनस एम आर, एम आर का वैल्यू कितना आया, तो ए माइनस टू बी एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे में क्या आ जाएगा, ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी एक्स प्लस टू बी एक्स, तो ए माइनस बी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा बात है, आपको P तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको खुद दिया रहेगा, MR निकालना है, MR निकालने के लिए सबसे पहले TR निकालना होगा, कैसे निकालिएगा, तो जो P दिया रहेगा उसको X से मल्टीप्लाई करेंगे TR निकल जाएगा, फिर जैसे ही TR निकलेगा तो TR को डिफरेंशिएट करेंगे MR आ जाएगा, फिर फॉर्मूला में बैठा देना है। तो सबसे पहले आपको ED का वैल्यू इस फॉर्मूला के थ्रू निकालना है,
फिर ईडी का वैल्यू जो अभी हमने प्रूफ किया उससे निकाल रहा है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है फिर हमारा क्या है, ये प्रूफ सही है और हमको 20 नंबर मिलने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 में 18 फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट रहे, क्योंकि मेरा तबीयत उतना सही नहीं था कुछ रीजन का, फिर वीडियो शायद नहीं बना पाते तो इसलिए बनाना पड़ा। आई होप आपको पसंद आया हो। नहीं आया, कोई भी डाउट रहे तो आप बताइएगा, कोई भी सजेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।